सोशल मीडिया पर मालदीव बनाम लक्षद्वीप पर जोरदार बहस चल रही है। अब इसमें भारतीय क्रिकेटर्स भी कूद पड़े हैं। भारतीय खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया पर मालदीव के मंत्रियों के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ दिनों पहले लक्षद्वीप गए थे और उन्होंने वहां की मनमोहक तस्वीरों को शेयर किया था। इसके बाद लक्षद्वीप की तुलना मालदीव से होने लगी, जिसे देख मालदीव के मंत्रियों ने पीएम मोदी और भारत के खिलाफ विवादित टिप्पणी कर दी। इसके बाद बॉलीवुड समेत खेल जगत के भी कई दिग्गजों ने मालदीव के मंत्रियों और विवादित कमेंट करने वाले लोगों पर गुस्सा जाहिर किया। इनमें पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना, इरफान पठान, हार्दिक पांड्या और शिखर धवन समेत कई प्लेयर्स शामिल हैं। रैना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर कहा, मालदीव की प्रमुख हस्तियों ने जो टिप्पणी की है उसे मैंने भी देखा है। इसमें भारतीयों के प्रति नफरत और नस्लवादी टिप्पणी की गई। ये देखना बेहद निराशाजनक रहा है, खासकर ये देखते हुए कि भारत उनकी यानी मालदीव की अर्थव्यवस्था, क्राइसिस मैनेजमेंट और भी कई अन्य पहलुओं पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रैना ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा, कई बार मालदीव का दौरा करने और वहां की सुंदरता की तारीफ करने के बजाय मेरा मानना है कि हमें अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता देनी चाहिए। इन घटनाओं के बाद अब हमें एकजुट होना चाहिए और अपने एक्सप्लोर इंडिया आइलैंड्स को चुनना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने भी पूरे मामले पर अपनी बात रखी है। हार्दिक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा, भारत के बारे में जो कहा जा रहा है उसे देखकर बेहद दुख हुआ। लक्षद्वीप अपने भव्य समुद्री जीवन और सुंदर समुद्र तटों के कारण एक आदर्श स्थान है। निश्चित रूप से मुझे अपनी अगली छुट्टियों में वहां जाना चाहिए। पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान ने भी मालदीव सरकार के मंत्रियों के विवादित बयान पर अपनी राय सोशल मीडिया पर रखी। उन्होंने कहा, मैं 15 साल की उम्र से विदेश की यात्रा कर रहा हूं। मैं जिस भी नए देश के दौरे पर गया हूं, वहां की सर्विस देखने के बाद मेरा अपने भारतीय होटल्स और टूरिज्म की असाधारण सेवा पर विश्वास मजबूत होता गया है। हर एक देश की संस्कृति का सम्मान करते हुए नकारात्मक बातें सुनना काफी निराशाजनक है। हालांकि मालदीव बनाम लक्षद्वीप को लेकर बवाल बढ़ने के बाद मालदीव की मोहम्मद मोयू सरकार ने इसे लेकर एक स्पष्टीकरण भी दिया है। मालदीव सरकार ने अपने बयान में कहा, विदेशी नेताओं और शीर्ष व्यक्तियों के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपमानजनक टिप्पणी मालदीव सरकार के संज्ञान में है। ये विचार निजी हैं और मालदीव सरकार के नजरिए का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। सरकार का मानना है कि बोलने की आज़ादी का बर्ताव लोकतांत्रिक और जिम्मेदार तरीके से किया जाना चाहिए, ताकि इससे नफरत, नकारात्मकता न बढ़े और अंतर्राष्ट्रीय साझेदार के साथ मालदीव के रिश्ते प्रभावित न हों। बाद में मालदीव सरकार ने पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा पर जहर उगलने वाले दो मंत्रियों और एक सांसद को सस्पेंड भी कर दिया। सस्पेंड होने वाले मंत्रियों में मरियम शिवना, मालशाह और हसन जिहान शामिल हैं। इन नेताओं ने पीएम मोदी और भारत के खिलाफ विवादित बयान दिया था। टाइम्स नाउ द भारत डिजिटल की रिपोर्ट।